हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। डिविजिबिलिटी की रूल का आज हमारा पार्ट फोर स्टार्ट होने वाला है। इस पार्ट फोर में हम 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ने वाले हैं, यानी कि 11 की विभाज्यता का नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी का यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है हमारे पास? एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो जीरो हो या 11 का गुणज हो। अब यहां पर क्या कह रहा है? एकांतर, तो एकांतर का मतलब क्या होता है कि एक नंबर छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा द डिफरेंस ऑफ सम अल्टरनेट डिजिट आइदर जीरो और डिविजिबल 11। डिविजिबल की जगह आप मल्टीपल का यूज भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो हमारे अल्टरनेट नंबरों का सम है उसका जब हम डिफरेंस करेंगे वह या तो जीरो होना चाहिए या 11 का मल्टीपल या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एग्जांपल से इसको प्रूव करेंगे कि कैसे यह जो रूल है वह अप्लाई होगा किसी भी नंबर पे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें चेक करेंगे अल्टरनेट नंबर, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 7। और दूसरा अल्टरनेट नंबर यानी कि 2 और 5 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 7। तो यहां आ जाएगा 7। अब इन दोनों नंबरों का अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है इसको, तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0। और हमारा जो नियम है, जो रूल है, वो यही कहता है कि अल्टरनेट नंबरों का सम करने के बाद, यहां पर लिखा हुआ है एकांतर अंकों के योग का अंतर, तो जब हमने एकांतर नंबर का योग किया एड करके तो कितना आया? 7। और इसका भी एड किया तो आया 7। और फिर हमने क्या करना है? डिफरेंस करना है, तो क्या आया हमारा? 0 आया। तो दैट मीन्स यह नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब करते हैं हम सेकंड एग्जांपल से, यहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल्टरनेट नंबर कौन से? 5 और 3 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 8। और 6 और 1 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7। इसका करना है डिफरेंस यानी कि माइनस, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो दैट मीन्स हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए या तो जीरो आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो दैट मीन्स यह तो हमारा नहीं होगा, 11 से यह नंबर डिविजिबल नहीं होगा आपका। अब है लास्ट एग्जांपल, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। यहां पर क्या है? अल्टरनेट नंबर, तो 9 और 8 कितना होता है? 17। और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इनको कर देंगे माइनस, डिफरेंस कर देंगे, 17 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 11। अब 11 की टेबल में 11 तो आता है, दैट मींस यह जो नंबर है यह हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो बस आपको इतना ही चेक करना था। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप एक दो एग्जांपल और करें, उससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 3 एग्जांपल में आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब डिविजिबिलिटी के रूल से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि जितने भी सारे डिविजिबिलिटी के रूल हैं वो सारे के सारे उन क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करते हैं और किस टाइप से हम एग्जाम में अपना टाइम बचा के अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको उस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी। तब तक आप इन डिविजिबिलिटी के रूलों को एक बार फिर से रिवाइज करें और बाकी के जितने भी हमने रूल पढ़े हैं उनको एग्जाम्पल से अच्छे से समझें और हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।